हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मेकओवर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्विक सा मेकअप शेयर करने वाली हूँ जिसको आप सिर्फ 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हो। और ये मेकअप लुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो आफ्टर मैरिज, जिनको मेकअप करना होता है, मतलब शादी के दूसरे दिन ही उनको फटाफट से रेडी होकर जाना होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता कि वो मेकअप कर सकें। और कुछ लोगों को मेकअप बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और जो नीचे बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ सिर्फ 5 मिनट में। वीडियो को बिल्कुल भी मैं कट नहीं करूंगी और आपको सच में दिखाऊंगी कि मैं 5 मिनट में ये वाले लुक को क्रिएट करी हूं। और आप भी 5 मिनट में कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर मैरिज बहुत लोगों को ऐसा होता है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सुबह सुबह जल्दी उठना होता है, जल्दी उठ के रेडी होना होता है ताकि बहुत सारी रस्में होती है वो सब करने के लिए। और रोज रोज तो कोई मेकअप आके आपका करके देगा नहीं, तो आपको खुद से ही रेडी होना होता है। तो आप इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने ना अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से कर लिया था क्लीन, और मैंने टोनर भी अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बाद मैं करूँगी यहाँ पे प्राइमर। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं करने वाली हूँ, बहुत ही लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ जो बहुत अच्छा भी लगे, बहुत ज़्यादा हैवी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया है, एंड सब कुछ लगाने के बाद आपको एटलीस्ट 10 सेकेंड के लिए उसको ड्राई सूखने के लिए छोड़ देना है स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर लगा लिया था। अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ डायरेक्ट फाउंडेशन। फाउंडेशन में मैं आपको 2-3 ऑप्शन दिखाती हूँ आप क्या यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो बीबी क्रीम, सीसी क्रीम जो आती है लैक्मे की, पॉइंट्स की, वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ब्रांड की आती है बीबी सीसी, आप वो यूज़ कर सकते हो क्विक मेकअप के लिए। आइदर आप चाहो तो ऐसा स्टिक वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत क्विकली इससे मेकअप हो जाता है। और या फिर आप ऐसा लिक्विड यूज़ कर सकते हो। लिक्विड यूज़ करना थोड़ा सा हैवी है, जिनको मेकअप नहीं आता उनके लिए लिक्विड यूज़ करना थोड़ा सा हैवी होगा, क्योंकि लिक्विड का अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाता है तो मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे स्टिक वाला फाउंडेशन यूज़ करो। तो मेरे पास यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग स्टिक फाउंडेशन है, तो मैं यहाँ पे ये वाला स्टिक को यूज़ करूंगी। और ये लगाने में एंड इसको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, यानी बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगता। आप देख सकते हो बस इसको मैं कितने स्मूथली ये लग जा रहा है। और अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं है ना, तो आप इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। बहुत ईजीली ये फिंगर से ब्लेंड हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ फिंगर से भी ब्लेंड करके। देख सकते हो ये फिंगर से भी कितना इजीली ब्लेंड हो जा रहा है। और अदरवाइज़ आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो। इसको मैं फटाफट से ब्लेंड कर लूँगी अपनी स्किन में, मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करने वाली हूँ। और देख सकते हो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने लगाया है, आप इससे भी कम लगा सकते हो। बट लिक्विड क्या होता है, लिक्विड थोड़ा सा हैवी लुक देता है, एंड ये बिल्कुल आपकी स्किन में मैच हो जाएगा। तो मेकअप जब भी करो ना, तो ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा ना अपने नेक में लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं ना इसी को ना थोड़ा सा और अंडर आई के नीचे लगा लूँगी। मैं एक्स्ट्रा कोई भी कंसीलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसी को अंडर आई के नीचे लगा लूँगी। और मैं आज एक भी मेकअप ब्रशेज भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि नए नए लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको ब्रशेज इतने सारे निकाल के मेकअप करने का टाइम नहीं हो पाता है। तो आप सिर्फ एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से और अपनी फिंगर की हेल्प से ये वाले लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया था अच्छे से। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे ये लूज़ पाउडर। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये लूज़ पाउडर लिया है, इसमें ये पफ दिया हुआ है, तो मैं इसी की हेल्प से अपने बेस को थोड़ा थोड़ा सेट कर लूँगी। मेरा बेस हो चुका है बिल्कुल सेट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे एकदम वो ड्राई वाला मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे ब्लश। तो पाउडर ब्लश लगाओगे तो आपको ब्रशेस की नीड होती है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लिक्विड लो या फिर क्रीम बेस ब्लश को यूज़ करो। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड ब्लश लगा लिया है, थोड़ा सा नोज़ पे और थोड़ा सा। आप इसको फिंगर के हेल्प से भी बहुत ईजिली ब्लेंड कर सकते हो, और देख सकते हो इसका शाइन कितना ज़्यादा अच्छा है एंड कितना ईजिली ये ब्लेंड हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है ब्लशर। उसके बाद हम यूज़ करने वाले अपना आई मेकअप को कंप्लीट। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ये पैलेट लिया जिसमें से ऑलमोस्ट मेरे शेड खत्म हो चुके हैं, बट मैं यहाँ से ना एक ब्राउन कलर का शेड लेने वाली। न्यूड आई मेकअप करने वाले ऐसे कलरफुल आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने बस एक ब्राउन कलर का शेड ले लिया था और उसको अपने पूरे लीड पर मैं अप्लाई कर दूँगी।
अब इसमें से मैंने एक शिमर वाला शेड लूँगी उसी गोल्डन में थोड़ा सा, और उसको अपने लिड के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा अच्छा शिमरी आई हो गया है ये, और सिर्फ एक फिंगर टिप के हेल्प से आप अपना पूरा आई मेकअप को क्रिएट कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कर सकते हो। देन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे हमारा आईलाइनर। तो मिरर ले लेते हैं और लगा लेते हैं लाइनर फटाक से। आप चाहो तो लाइनर को स्किप करके सिर्फ मस्कारा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा लाइनर लगाया, बिल्कुल थिन। तो मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया, लाइनर हो चुका है डन। अब लगाने वाली हूँ मैं यहाँ पे काजल। मैंने बिल्कुल डार्क काजल लगा लिया है। आने के बाद ना आपकी आईज बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगती है, देख सकते हो आप। काजल लगाने के बाद अब लगाएंगे मस्कारा। लास्टली मैं करने वाली हूँ लिपस्टिक। तो यहाँ पे मेरी ड्रेस में ना ऐसा बेबी पिंक है बट वो अच्छा नहीं लगेगा, तो और इसमें थोड़ा सा डार्क पिंक एंड रेड मिक्स है, तो मैं यहाँ पे ये वाला लगाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया है। अब करूँगी मैं मेकअप फिक्सर, ताकि मेरा मेकअप जो है वो फुल डे लॉन्ग लास्टिंग रहे, क्योंकि बार बार मेकअप करने का टाइम नहीं मिलेगा ना। आप देख सकते हो अब मेरे फेस पे ग्लो, और इस मेकअप को करने में आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। और साथ ही मैं आपको इसके साथ एक हेयर स्टाइल भी बताऊँगी, लेकिन उसके पहले अब लगा लेंगे एक बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना तो अधूरा है। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी मरून कलर की बिंदी ले ली है। अब कर लेते हैं हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल का तो टाइम और भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है हेयर स्टाइलिंग के लिए टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक से हेयर स्टाइल बताऊँगी। अगर आप मिडिल पार्टिंग करके करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आप साइड पार्टिंग करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिडिल पार्ट कर लिया है, अब बस यहाँ से करना आपको है ट्विस्ट। और यहाँ पे एक क्लिप लगा लेंगे। सेम हम दूसरे साइड से भी कर लेंगे। और यहाँ पे एक क्लिप लगा लेंगे। अभी यहाँ से थोड़े थोड़े से बाल निकाल लेते हैं। एंड ये देखो मेरा फाइनल लुक हो चुका है कंप्लीट। मेकअप देख सकते हो आपको कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और ये मेकअप बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ना ये वाला हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना हेयर स्टाइल चेंज। अगर आप लोगों को जानना है कि आफ्टर मैरिज आप और क्या क्विक क्विक हेयर स्टाइल कर सकते हो जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सारे हेयर स्टाइल जो आप क्विकली कर सकते हो। तो मैंने बालों को ना ऐसे वन साइड रख लिया है, मे बी ये ज़्यादा सूट कर रहा है मेरे ऊपर। और यहाँ से मैं एक ट्विस्ट करके क्लिप लगा लूँगी। अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हुए हैं क्योंकि आज ही वॉश किया है, इसीलिए ये है मेरा फाइनल लुक। ये वाला हेयर स्टाइल मेरे पे ज़्यादा सूट कर रहा है क्योंकि वो बीच में शायद मुझ पे सूट नहीं कर रहा था। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। एंड मुझे कमेंट करना अगर आप लोग को जानना है कि आप आफ्टर मैरिज और कौन से हेयर स्टाइल कर सकते हो एकदम क्विकली 2 मिनट 5 मिनट में, तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। एंड अगर आप इस टाइप के और मेकअप लुक देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो कि आप और कौन से टाइप के मेकअप लुक देखना चाहते हो, मैं ज़रूर आपके लिए उसका वीडियो भी लेके आऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला लुक आज का पसंद आया होगा एंड मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर प्रेस कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।